सऊदी अरब में चल रहे वर्ल्ड डिफेंस शो के बाद अब भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की जमकर चर्चा हो रही है। दुनिया भर से ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों संस्करणों के लिए बम्पर ऑर्डर आ रहे हैं। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को कुल ऑर्डर $7 अरब का ऑर्डर मिल चुका है। इसकी प्रमुख वजह ब्रह्मोस मिसाइल की असाधारण क्षमता है। रूस के सहयोग से बनाई गई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में पसंदीदा बनकर उभरी है। जिन देशों पर चीन की नजर, वो देश खास तौर पर ब्रह्मोस चाहते हैं, जिससे अगर चीन उनकी तरफ आंख उठाता है तो उसका जवाब भारत के ब्रह्मास्त्र घातक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से दिया जा सके। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में पहली पसंद बनती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल Mach 3 की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस क्रूज भारतीय मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसमें भारत और निर्यात के ऑर्डर दोनों ही शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के सहयोग से इस मिसाइल को बनाने के बाद अब ब्रह्मोस के अंदर काफी बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए काफी पैसे का निवेश किया गया। ब्रह्मोस 1980 के दशक के अंत में बनी सोवियत काल की एंटी शिप मिसाइल का एडवांस वर्जन है। रूस और भारत ने इसे मिलकर बनाया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्क्वा नदी के नाम से जुड़कर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से लैस है। इसमें एक ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर है। ये जमीन, पनडुब्बी, जहाज और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड वर्तमान में Mach 2.8 से 3.0 है। हाइपरसोनिक संस्करण Mach 5 तक पहुंच सकता है। घातक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सटीकता, कलाबाजी, असाधारण स्पीड के लिहाज से दुनिया में एकमात्र असली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुनिया में इसकी टक्कर की कोई मिसाइल नहीं है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को बड़े पैमाने पर दुनिया भर के देश खरीदना चाहते हैं। भारत में ब्रह्मोस का निर्माण भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है। भारत अभी तक हथियारों के आयातक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब वो खुद के हथियारों का निर्यातक बनाने में लगा है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसे भारत के रक्षा निर्यात का पोस्टर चाइल्ड भी कहा जाता है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब की ओर से आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस को प्रमोट किया। सऊदी अरब को ब्रह्मोस का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार या सऊदी किंगडम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडोनेशिया में हुए चुनाव में प्रबोवो सुबियांतो सबसे ज्यादा वोट पाकर जीत गए हैं। प्रबोवो सुबियांतो अभी रक्षा मंत्री हैं और भारत के साथ दोस्ती के बड़े पक्षधर हैं। यही नहीं, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। भारत फिलीपींस को ये मिसाइल बेच चुका है। भारत और इंडोनेशिया की समुद्री सीमा मिलती है। साल 2020 में कोरोना संकट के बाद भी सुबियांतो भारत के दौरे पर आए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वो भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते थे। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल समझौता शामिल है। फिलीपींस समेत अब दुनिया भर के देशों को ब्रह्मोस को निर्यात करने जा रहा है। भारत अब सैन्य हथियारों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।